फैशन मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। फैशन ये बहुत बड़ा बिजनेस है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस बड़ा है तो मार्केटिंग भी बड़ा होगा। फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ हमें डिज़ाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, इस गारमेंट के बारे में ही नहीं नॉलेज तो मार्केटिंग में भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हम रेडी करते हैं बड़े पैमाने पे, तो उसका सेलिंग किस तरह से किया जाता है, इसका नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज के लिए हमें मार्केटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, क्या होता है मार्केटिंग। तो ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, उसे बोला जाता है मार्केट या बाज़ार। मार्केटिंग मतलब बाज़ार, जहाँ खरीदी बिक्री होती है, माल खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसको बोला जाता है मार्केट। फैशन से चल रहे हैं, फैशन के प्रोडक्ट है, तो हम उसे फैशन मार्केटिंग बोलेंगे। जब हम फैशन मार्केटिंग में जाते हैं तो फैशन मार्केटिंग में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन होता है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो मतलब स्थानीय, जहाँ पर एक स्टेट वाइज, फिर नेशनल मतलब राष्ट्रीय मार्केटिंग, उसे हम स्टेट वाइज मार्केटिंग बोलेंगे, फिर नेशनल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ऐसे अलग अलग मार्केटिंग किया जाता है। पहला हम देखते हैं स्टेट वाइज मार्केटिंग देखेंगे, तो सभी जगह अपना अपना एक अलग पहनाव होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेट प्रोडक्ट भी वैसे ही रहेंगे। मतलब उदाहरण के तौर पे देखा जाए, हम यदि महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पर साड़ियाँ, पंजाबी सूट, नववारीज, ये ड्रेसेस चल रहे हैं। वहीं हम राजस्थान में जाते हैं, स्टेट चेंज हो गया, घाघरा चोली ये पैटर्न आ गए। फिर कश्मीर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी फिरन जैसे गारमेंट या वहाँ जो कंफर्टेबल गारमेंट है ऐसे पहने जाते हैं। तो महाराष्ट्रीयन गारमेंट वहाँ ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो वहाँ का एटमॉस्फियर क्या है ये भी, मतलब वहाँ वातावरण, उस वातावरण के हिसाब से भी हमें गारमेंट रेडी करने होते हैं। तो वो प्रोडक्ट कहाँ सेल करना है इसका नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट बनाया है, कौन से स्टेट के लिए है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्टेट वाइज है, स्थानीय है, ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए पहले प्रोडक्ट रेडी होता है। वो प्रोडक्ट रेडी होने के बाद फिर ये क्लासिफिकेशन हो गया, स्थानीय, राष्ट्रीय, नेशनल मतलब देश के अंतर्गत और बाहर देशों में, ऐसे उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब ये हो गया मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट एक नियोजन भी करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम रेडी कर रहे हैं तो वो कितना रेडी होना चाहिए अकॉर्डिंग, उसको हम बोलेंगे कि कितने रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोडक्ट रेडी करना है। फिर उसकी कीमत भी रखनी है, तो वो कीमत जनरली ऐसे होते हैं, स्पर्धात्मक युग है, काफ़ी स्पर्धा है, फैशन वर्ल्ड में स्पर्धा ही है, तो प्रोडक्ट भी अच्छा हो और कीमत भी रिजनेबल हो, सभी लोग उसको एफोर्ड कर सके, सभी लोग उसको खरीद सके, ये सभी बातें हमें सोचनी होती है। और इसका नियोजन 6 महीने पहले करते हैं, जिसे हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं कि तुरंत बना दिए और फिर बेचने के लिए निकालेंगे तो तब तक वो प्रोडक्ट की फैशन निकल जाएगी। तो आफ्टर 6 मंथ मतलब आने वाले 6 महीने में कौन सा सीज़न है, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट रेडी करने हैं, उसकी कीमत हमें देखनी पड़ती है। तो कीमत ऐसे होते सभी खर्चा जाके प्लस माइनस 10% या 20% हमें बेनिफिट मतलब नफ़ा होना चाहिए, ऐसे उसकी कीमत होती है। मतलब सभी खर्चा ऐड करके उसकी कीमत निकाली जाती है। फिर जब भी हम मार्केट में आते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू स्पर्धा, मतलब जो भी स्पर्धा चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें कीमत को प्लस माइनस करना होता है। ओके, तो ये मार्केटिंग का नॉलेज। फिर दूसरा ये कि मार्केट की ओर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। जब मार्केट में आ रहे हैं हम, तो मार्केट की ओर हमारा पूरा फोकस, किन बातों पे हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए, फैशन ऐसे वर्ल्ड है कि हर रोज़, हर दिन
फैशन बदलते रहता है, उल्था पलट होते जाती है, इधर का उधर, आज ये फैशन है तो कल दूसरा नया फैशन आएगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन मार्केट पे रखना है और ग्राहक पे भी, क्या चलन चल रहा है उस हिसाब से हमें भी चेंजेस करने होते हैं। तो ये मार्केटिंग का पहला नियम होता है। दूसरा, प्रोडक्ट रेडी करने के लिए हमें परचेसिंग भी करना है। रेडीमेड गारमेंट बना रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल भी परचेस करना होता है, तो वो कितनी क्वांटिटी में करना है, ये सभी चीज़ें मार्केट में हमें ध्यान देनी होती है। फिर मार्केट में नियोजन भी, प्रोडक्ट कितना है, उसको खर्चा कितना लगा और बेनिफिट कितना होना चाहिए, इसका भी अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें सब मार्केटिंग में होती है। इसके अलावा सपोज़ हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट जैसे हम एक्सपोर्ट कर इम्पोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं कौन से नेशन में जा रहा है, उसका फैब्रिक क्या है, ये भी बातें ध्यान में रखना है। तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी हमें उतना ही मिलता है, और फिर विदेशी चलन में भी हम लोग आ जाते हैं। तो मार्केटिंग नॉलेज के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में हमें डेली अपडेट लेना होता है, अपडेट रहेंगे तो ही मार्केट में टिक पाएंगे, क्योंकि ये स्पर्धात्मक युग है। ठीक है।